नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में टीचर बहाली को लेकर फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ी राहत दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आयोग ने ये अधिसूचना जारी की है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले 3 दिन तक फॉर्म भरकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। उसके लिए आयोग की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है, जिससे वो फॉर्म भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आयोग ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है। दरअसल आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। इसके तहत 10 जून से 13 जून तक आवेदन करने के लिए अभ्यास का मौका दिया गया है। उसके बाद शिक्षक 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। आयोग के बीच 2 दिनों तक बैठक हुई थी, जिसके बाद ये ऐलान किया गया है। वही बता दें कि एग्जाम के पैटर्न को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। उसमें उसके अनुसार 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न विषय से होंगे और बाकी के प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। बता दें कि शिक्षक भर्ती के लिए 1,70,461 वैकेंसी निकाली गई। वहीं इस परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जबकि परीक्षा में सारे प्रश्न NCERT से पूछे जाएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।